लेसन नंबर 10, इसे आप होमवर्क करो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क करो, नहीं जमता है तो नेक्स्ट सेशन में हम इलस्ट्रेशन 10 करेंगे। बहुत सिंपल है, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी हमने पीवी ग्राफ देखा, बीईपी ग्राफ देखा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने 9th-10th स्टैंडर्ड में देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह ज्योमेट्री वगैरह में या फिजिक्स वगैरह में, वह उसी तरह का इसका मतलब है। दिस एंगल शोज द रेट एट विच द प्रॉफिट इज अर्न वंस द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच। एक बार ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया तो उसके बाद में हमारा प्रॉफिट क्या रेट से बढ़ेगा, वो होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो गया इसमें, ये जो है ये इस एंगल को कहते हैं। अच्छा, ये जो होता है इससे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं ना। तीन तरह के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑप्टूज एंगल, राइट एंगल। 90 से कम रहा तो एक्यूट, 90 से ज़्यादा रहा तो ऑप्टूज, 90 डिग्री का तो रहा तो राइट, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये सेल्स का लाइन है, ये कॉस्ट का लाइन है, तो ये एंगल इतना बना। मान लो ये सेल्स का लाइन है और ये कॉस्ट का लाइन है, एंगल छोटा बना। तो एंगल जितना बड़ा बनेगा, ये जो एंगल है इसका डिग्री जितना ज़्यादा रहेगा उतना फास्ट हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना बड़ा हमारा, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट रहेगा, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा कॉस्ट लाइन है, फिक्स्ड है। अब अगर हमारा सेल्स ऐसा बढ़ रहा है तो इतना हमारा प्रॉफिट इतना 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 हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारा सेल्स ऐसा जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना होगा तो हमारा प्रॉफिट सिर्फ इतना होगा। ब्लैक वाला प्रॉफिट ज़्यादा है या रेड वाला ज़्यादा है? रेड वाला। तो रेड वाले का एंगल ज़्यादा है या ब्लैक वाले का एंगल ज़्यादा है? रेड वाले का। तो सर इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होता है। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है? इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन? सेल्स लाइन का और टोटल कॉस्ट लाइन का। और कहाँ पे? ब्रेक इवन पॉइंट पे। कहाँ पे? ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसके आगे हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट, इसके पीछे लॉस ही लॉस, ठीक है। तो ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, छोटा सा कंसेप्ट है, रीड कर लेना है। अप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में जो अभी तक हमने पढ़ा उसका काम कैसे आएगा, स्टेप्स वाइज है। पहले हम हमारी प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या है देखेंगे, उन सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करेंगे और एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हमारी जो भी प्रॉब्लम है पहले हम हमारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो चेक करेंगे, उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे और फाइनली एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हमारा प्रॉब्लम देखना है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, ठीक है। टू रीच एट द गोल एक्शंस आर टू बी टेकन। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी अ कॉस्ट लीडर इन द इंडस्ट्री इट ऑपरेट्स इन, इट हैज़ टू अचीव 3 E's इन इट्स ऑल एक्टिविटीज। इकोनॉमी आना चाहिए, इफिशियंसी आना चाहिए, इफेक्टिवनेस आना चाहिए। एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट में आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज विच इफ वर्क ऑन कैन एड टू द प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। A manufacturer of steel product has identified that it can be a leader in the industry if it produces steel products at lower cost than its rival. Here the goal should be low cost production. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, स्टेप है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करो। तो ये अर्नव लिमिटेड की क्या प्रॉब्लम है? इनको इनकी कॉस्ट कम करना है, इनको इनकी कॉस्ट कम करना है। अब कॉस्ट कम करने के लिए इनको ऑप्शंस क्या क्या है? अब इनको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कि जो रॉ मटेरियल है वो लोकल मार्केट से खरीदो या इंपोर्ट करो, खुद प्रोड्यूस करो या बाय करो, मेक और बाय डिसीजन, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। बल्क परचेस करना है और डिस्काउंट ले लेना है तो कितना खरीदना है, इन हाउस बनाना है या आउटसोर्स और किसी से बनवा के लेना है। ये क्या था? मेक और बाय, एक तो हम बनाएंगे या किसी से खरीद लेंगे।
ये क्या, एक तो हम बनाएंगे या और किसी से बनवा के लेंगे, खरीदेंगे नहीं बनवा के लेंगे। बल्क प्रोसेसिंग कितना अच्छी तकनीक की मशीन यूज़ करना, जूनी मशीन वर्सेस नई मशीन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ की रिसोर्सेज, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, तो ये आगे है लिमिटिंग की फैक्टर वाला। ये इसके पहले भी एक सेशन में मैंने इसका जिक्र किया था, लिमिटिंग फैक्टर की फैक्टर का कुछ होता है। Evaluations of the options. After identification of option, each option is to be evaluated against the objective criteria. An entity with objective of making profit may evaluate options on the basis of financial measures like impact of profit or loss, market share, overall impact on profitability, return on investment, etc. Non-financial factors like customer satisfaction, impact on existing market are also evaluated. ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑप्शन, एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ईच ऑप्शन, और लास्ट है सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है वो आइडेंटिफाई किया, फिर उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो देखा, फिर इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किसका कॉस्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और इसमें कितना हमारा खर्चा लगने वाला है, मतलब अल्टीमेटली किस में ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है हम वो देखेंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं, अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं वो देखेंगे अभी हम। प्रिंसिपल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फॉर द मेजरमेंट। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एन ऑप्शन इज आइडेंटिफाइड फॉर मेजरमेंट इफ इट पासिस द प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड रिलेवेंस। दोज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स विच अराइज ड्यू टू चॉइस ऑफ एन ऑप्शन, इन अदर वर्ड्स बेनिफिट्स रिसीव्ड एंड कॉस्ट इनकर्ड आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द चॉइस ऑफ द ऑप्शन। दस द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स विच आर कंट्रोलेबल आर कंसिडर्ड फॉर मेजरमेंट फॉर मेकिंग डिसीजन। द कॉस्ट विच आर कंट्रोलेबल नीड टू बी रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। दिस मीन्स ऑल द कंट्रोलेबल कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग अनलेस इट डिफर्स अंडर द टू ऑप्शन। अ कॉस्ट इज ट्रीटेड एज रिलेवेंट ओनली इफ इट इज अ फ्यूचर कॉस्ट एंड इट डिफर्स अंडर टू ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन। देखो हमें क्या करना है, पहले कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल देखना है, ठीक है, बाद में वो कॉस्ट रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है, हमारे डिसीजन मेकिंग पे वो कॉस्ट रिलेवेंट है, हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए वो वाली कॉस्ट रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है वो देखेंगे। अभी जब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आने वाला है। वॉन्ट्स टू मैन्युफैक्चर 1000 एडिशनल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, इट इज़ कंसिडरिंग ईदर टू मैन्युफैक्चर इन इट्स ओन फैक्ट्री और टू आउटसोर्स टू जॉब वर्कर्स। हमें 1000 यूनिट्स और मैन्युफैक्चर करने हैं तो हमने खुद की फैक्ट्री में बनाना या किसी और को आउटसोर्स कर देना। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर एडिशनल 1000 यूनिट इज कंट्रोलेबल एज इट अराइजेज ड्यू टू मैनेजमेंट डिसीजन्स टू मेक एडिशनल यूनिट, बट इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग चॉइस बिटवीन मैन्युफैक्चर इन हाउस एंड आउटसोर्स टू द जॉब एज अंडर द जॉब ऑप्शन द रॉ मटेरियल कॉस्ट वुड बी सेम। देखो अभी क्या बोल रहा है, अभी हमारा एग्जिस्टिंग चल रहा है, हम 1 लाख यूनिट्स पहले से बना रहे हैं समझ लो, अब हमें 1000 यूनिट्स और बनाने हैं, तो ये 1000 यूनिट्स खुद की फैक्ट्री में ओन फैक्ट्री में बनाना है या किसी से जॉब वर्क करवाना है, ठीक है, ये हमारा डिसीजन मेकिंग है। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट का ये डिसीजन में कुछ लेना देना है क्या, रॉ मटेरियल की कॉस्ट का ये डिसीजन से कुछ लेना देना है क्या? अच्छा चलो, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोलेबल है कि नहीं है, कंट्रोलेबल है ना, हम अगर ये 1000 यूनिट नहीं बनाएंगे तो ये रॉ मटेरियल की जितनी भी कॉस्ट लगनी है वो नहीं लगेंगी, तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोलेबल तो है, लेकिन हमारा जो डिसीजन मेकिंग चल रहा है कि खुद के फैक्ट्री में बनाना या और किसी के फैक्ट्री में बनाना, इस काम के लिए वो रेलेवेंट है क्या, इस काम के लिए वो रेलेवेंट है क्या? नहीं, वो क्या हो गया, इररिलेवेंट। क्यों इररिलेवेंट? अगर हमारी फैक्ट्री में बनाएंगे तो भी 1000 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, और दूसरे की फैक्ट्री में बनवा के लेंगे हम तो भी 1000 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है अगर हम 1000 यूनिट बनाएंगे तो
ये क्या हो गया इररिलेवेंट। तो जॉब वर्क मतलब समझता है कि आपको जॉब वर्क, हम किसी से जॉब वर्क करवा के ला रहे हैं, जैसे कि हम किसी से बकेट बनवा के ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स लिमिटेड होती है, उसकी फैक्ट्री होती है, उसके फैक्ट्री में उसके पास प्लांट मशीनरी सब लगा होता है। हम उसको क्या देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, हम उसको रॉ मटेरियल देते हैं और वो हमको बकेट बना के देता है, ठीक है। तो बिजली उसकी, मशीन उसकी, सब उसका, रॉ मटेरियल हमारा है, स्पेसिफिकेशन हमारा है। तो वो उसने उसका टाइम दिया, उसकी मशीन लगाया, उसकी फैक्ट्री लगाया, उसका लेबर लगाया, तो इसके लिए वो हमसे जॉब वर्क के कुछ पैसे लेता है, जॉब वर्क चार्जेस बोलते हैं उसको, ठीक है। इसे कहते हैं जॉब वर्क, आगे बहुत काम काम में आने वाला है ये, शायद अकाउंट्स में हो गया होगा आपका जॉब वर्क वगैरह, ठीक है। अब जैसे कि रिलेवेंट है कि इररिलेवेंट है वो देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो बीत गई, द कॉस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड डू नॉट अफेक्ट द डिसीजन बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था 2 साल पहले, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था, अब हमको कोई डिसीजन लेना है तो हमको वो जो मशीन की कीमत थी उसको भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अब इररिलेवेंट हो गया हमारे लिए, क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया ना वो, अब आने वाले अब इसका हमारे डिसीजन मेकिंग पे कोई काम नहीं पड़ेगा। ये आप जो मैं बोल रहा हूँ अभी सुन लो, समझ लो, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको एकदम ज़्यादा क्लियरिटी आने वाली है बाबा। इसमें संग कॉस्ट मतलब जो डूब गया, द कॉस्ट विच आर ऑलरेडी पेड इधर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेल्ड और टू बी अवेल्ड, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल परचेज एंड हेल्ड। हिस्टोरिकल और संग कॉस्ट एक ही है समझ लो, ये भी इररिलेवेंट है। कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट मतलब हमने रेंट एग्रीमेंट किया हुआ है 11 महीनों का, उसमें लिखा है कि 11 महीने के पहले हम खाली कर नहीं सकते, और खाली कर भी दिया तो हमें 11 महीने का रेंट देना ही है। 5 महीने हो गए, 6 महीने बचे हैं। अब अगर हम आज ये इसका गोडाउन खाली भी कर देते तो आगे 6 महीने तो हमको देना ही है, हमने कमिटमेंट दे रखी है, तो रेंट तो हमारे लिए इररिलेवेंट हो गया। अब कोई भी सिचुएशन में हमें भरना ही है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए इररिलेवेंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं आपको टीचिंग नहीं करता था तो मैं कहीं जॉब कर रहा होता, 50 लाख का मेरा पैकेज होता, तो मैं वो 50 लाख मेरे लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो छोड़ के मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब हमने फर्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ा है और इकोनॉमिक्स में फाउंडेशन में पढ़ा है। नोशनल और इम्प्यूटेड कॉस्ट, ये भी रिलेवेंट है, क्यों? ओनली इफ द कंपनी इज एक्चुअली फॉरगोइंग बेनिफिट्स बाय एम्प्लॉइंग इट्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव सोर्स। देखो अगर हमारे रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है और वो रिसोर्सेज को हमने पेन बना रहे हैं, तो पेन से हमें कितना लाख रुपए महीने की कमाई हो रही है, ठीक है। अब हमने पेन न बनाते हुए पेंसिल बनाना चालू किया, अब पेंसिल से हमें कितनी, 1,10,000 की कमाई हो रही है। तो ये जो है ये क्या है हमारे लिए, नोशनल कॉस्ट है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम पेंसिल नहीं बना रहे होते तो क्या हम खाली बैठे होते क्या? नहीं, हमें 1 लाख रुपया तो मिलता ही था ना। शटडाउन कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, अगर हमें हमारा फैक्ट्री बंद करना है या हमें हमारी शॉप बंद करना है तो उसके लिए भी कुछ खर्चा लगता है क्या? यस, फैक्ट्री बंद करने के लिए भी हमें खर्चा लगता है, लेबर्स का ग्रेच्युटी, बोनस, पोबा पोगा जो भी है, बाद में प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बेचने के लिए किसी को ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें लगेंगी। तो ये खर्चे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम शट डाउन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रिलेवेंट कॉस्ट होगी। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सस्पेंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सर्टेन फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैन बी अवॉइडेड एंड सर्टेन एक्स्ट्रा फिक्स एक्सपेंसेस मे बी इनकर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। बाय क्लोजिंग डाउन द मैन्युफैक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशन विल सेव वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज सम डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। देखो मान लो हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें 10 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है, 5 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसी टोटल कितनी, 15 रुपये की हमारी कॉस्ट हो गई। 15 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, 5 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट है, 10 रुपये, ठीक है। तो टोटल हमारी कॉस्ट होगी 15, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में बिक रहा है सिर्फ 13 रुपये में, तो हमें क्या हो रहा है, सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है ना, हमें क्या हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है। तो अगर हम एक भी यूनिट, जैसे कि
मैंने एक यूनिट बनाया तो 2 रुपए का लॉस हुआ, 2 यूनिट बनाया तो 4 रुपए का लॉस हुआ, 3 यूनिट बनाया तो 6 रुपए का लॉस हुआ। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा उतना ज़्यादा मुझे लॉस होता जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, मैं शट डाउन कर सकता हूँ। ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, शट डाउन कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक भी यूनिट भी नहीं बना रहा हूँ तो मुझे लॉस कितना हो रहा है, ये 10 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो रहा है ना। तो ऐसे में अगर मैं कुछ भी नहीं बनाता हूँ तो मुझे 10 रुपये का लॉस होता है, अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये का लॉस होता है ना। और अगर मैं पूरा शट डाउन कर देता हूँ तो ये मेरे फिक्स्ड कॉस्ट है वो बंद हो जाएंगे ना। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या हो गया, रेंट वगैरह ये सब भी बंद आ जाएगा। अगर मैं मेरा बिजनेस ही बंद कर देता हूँ तो मुझे कोई कॉस्ट ही नहीं लगेंगी, कोई कॉस्ट ही नहीं लगेंगी, तो कोई लॉस की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो शट डाउन कॉस्ट ये अच्छे से डिटेल में क्वेश्चंस में हम समझेंगे, क्वेश्चंस में आपको एकदम अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा ये। प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टिमेशंस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इट इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू बी क्वान्टिफाइड, दैट इज द कॉस्ट एंड बेनिफिट शुड बी मेजर्ड एंड एस्टिमेटेड। द एस्टिमेशन इज डन बाय द फॉलोइंग टू प्रिंसिपल्स। वेरिएबिलिटी मीन्स बाय हाउ मच अ कॉस्ट और बेनिफिट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द चॉइस ऑफ द ऑप्शन। वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डिफर्स अंडर द डिफरेंट वॉल्यूम। ऑन दी अदर हैंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम एंड एक्टिविटीज। इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं था। ट्रेसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट मीन्स डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड द चॉइस ऑफ द ऑप्शन। डायरेक्ट कॉस्ट आर डायरेक्टली असाइन टू द ऑप्शन। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट कॉस्ट नीड टू बी अपोर्शन टू द ऑप्शन ऑन द सेम रीजनेबल बेसिस, सम रीजनेबल बेसिस। ठीक है, इसमें भी समझाने के लिए कुछ नहीं है, ये टॉपिक एक्चुअली पूरा प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, खुद की फैक्ट्री में बनाने वाले हैं, 1000 घंटे के लेबर लगे, हमें 1000 यूनिट्स बनाना है कहाँ पे, खुद की फैक्ट्री में, तो हमें 1000 घंटे का लेबर लगने वाला है और एक स्पेशलाइज्ड मशीन लगने वाली है। इसमें जो लेबर की कॉस्ट है ये कैसी होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है, और डायरेक्टली ट्रेसिएबल भी है। क्यों लग रही है, क्योंकि 1000 लेबर आवर्स लगे। क्यों लगे, क्योंकि हमने 1000 यूनिट्स बनाए, तो ये कैसे डायरेक्टली ट्रेसिएबल भी है। और कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज ऑल्सो डायरेक्ट कॉस्ट, बट सो फार एज द ट्रेसिबिलिटी ऑफ द मशीनरी कॉस्ट इज कंसर्न इट इज डायरेक्ट कॉस्ट फॉर 1000 यूनिट एज अ होल बट इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ यूनिट। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सीवीपी एनालिसिस। डिसीजन रिलेटेड टू एक्सेस सप्लाई, ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमारी मशीन की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स है और डोमेस्टिक मार्केट में 80,000 हम बेच सक रहे हैं, तो बचे हुए 20,000 का क्या करना, बचे हुए 20,000 का क्या करना, ऐसे जो है ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर, कोई स्पेशल ऑर्डर ले लो और ये सब कर दो। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस फॉर स्टिम्युलेटिंग डिमांड, सस्ते में बेच डालो दूसरे मार्केट में, लोकल वर्सेज एक्सपोर्ट, दूसरे फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दो। डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम प्राइस फॉर प्राइस कोटेशन, शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजन, ये सारी चीज़ें ये अभी जब आप न्यूमेरिकल देखोगे हर एक पे एक एक न्यूमेरिकल बन सकता है। इंटर लेवल पे इतना नहीं है लेकिन फाइनल लेवल पे आपको देखने लगा। एक्सेस डिमांड, मेक और बाय इन हाउस, प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करो, सेल्स मिक्स को चेंज करो, सेल और फर्दर, हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो क्या करेंगे, हम बाहर से भी बनवा के ले लेंगे, या हम पेन भी बनाते हैं, पेंसिल भी बनाते हैं, पेंसिल की ज़्यादा डिमांड है तो हम पेन थोड़ा कम बना के पेंसिल ज़्यादा बनाएंगे, सेल्स चेंज करेंगे, ठीक है, ये सारी बातें। व्हाट इज़ लिमिटिंग फैक्टर, हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, तो कभी मटेरियल लिमिटेड हो सकता है, कभी मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है, कभी पैसा लिमिटेड हो सकता है, कभी लेबर लिमिटेड हो सकता है, तो हमारा डिसीजन ये लिमिटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही है, कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना, ठीक है।
तो अभी जो इलस्ट्रेशन 11, 12, 13, 14 है, इसमें बहुत मज़ा आएगा हमें, ये सारी चीज़ें लिमिटिंग फैक्टर्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके अभी ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं।